दोस्तों नमस्कार। बहुत से लोग कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि सर मैंने वेटिंग लिस्ट 2 टिकट बुक किया है तो वेटिंग लिस्ट में है अभी, लेकिन क्या ट्रेन चार बन जाने के बाद मेरा मैंने जो 2 वेटिंग लिस्ट टिकट बुक किया है कंफर्म होगा तो सीट नंबर एक ही साथ मिलेगा, बोगी नंबर एक ही साथ मिलेगा? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वेटिंग टिकट जब आप बुक करते हैं तो क्या कन्फर्म होने के बाद आपको सीट नंबर एवं बोगी नंबर माने सब एक ही जगह मिलेगा या फिर नहीं, तो आज के इस वीडियो में आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सारे इस सवाल के जवाब का आंसर आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। मान के चलिए ए बी सी डी ई है, 5 बोगी है और हर एक बोगी में 5 सीट खाली है। ए में भी 5 सीट खाली, बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी। तो दोस्तों देखिए, मान के चलिए अगर वो पाँचों के पाँचों बोगी में सीट भरा हुआ है, 5-5 25 सीट है एवं 25 सीट भरा हुआ है, तो मान के चलिए कोई अगर ए बोगी वाला एक पैसेंजर कैंसिल किया और डी बोगी वाला एक पैसेंजर टिकट कैंसिल किया, तो अब तो सीट खाली किस में है? ए में एवं डी में। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई वेटिंग लिस्ट 2 को है, किसका है, एक साथ 2 लोग का वेटिंग टिकट है तो कन्फर्म होगा। तो आपको जहाँ जहाँ टिकट कन्फर्म हुआ है वहाँ वहाँ तो देगा नहीं, आपको जहाँ जहाँ कैंसिल हुआ है वही वही देगा, मतलब आपको ए बोगी नंबर वाला में मिलेगा एवं डी बोगी नंबर वाला में मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए ऐसा ही होता है कि अगर आपने वेटिंग लिस्ट टिकट 2 बुक किया है एक साथ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही सीट नंबर मिलेगा या फिर बोगी नंबर भी एक साथ मिलेगा। दोस्तों आपको अलग अलग भी मिल सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हाई चांस बता दे रहा हूँ कि जब भी वेटिंग लिस्ट टिकट आप बुक करते हैं 2 लोग का, तो मैक्सिमम चांस होता है कि पहली बार तो बोगी नंबर एक में ही मिलेगा, सीट नंबर डिफरेंट हो सकता है। दोस्तों ये उम्मीद मत कीजिएगा कि सीट नंबर बिल्कुल एक साथ ही मिलेगा, सीट नंबर अलग अलग हो सकता है। दोस्तों अगर सीट नंबर एक साथ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अलग अलग भी हो सकता है, बोगी नंबर भी आपको अलग अलग मिल सकता है, 100% कोई स्योरिटी यहाँ पर दोस्तों नहीं है। हालाँकि रेलवे परफॉर्मेंस देख के ही देती है कि मैं इसको जो है साथ देना चाहता हूँ, चूँकि दोनों एक लोग ही साथ है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दोस्तों अलग अलग भी आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 2% का ही सिर्फ वेटिंग लिस्ट टिकट रहता है और अगर आरएसी में आया तो दोनों हमेशा एक साथ ही रहेगा। अगर आरएसी में आ गया, अगर 2 लोग का पर्सन है, एक टिकट में 2 लोग का है, तो दोस्तों हमेशा एक साथ ही रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कन्फर्म किया जाता है तो दोस्तों दोनों को अलग अलग मिल सकता है। इसी तरीके से दोस्तों आप एक टिकट में 3 वेटिंग कार्ड लीजिए, 4 वेटिंग चाहे 10 वेटिंग कार्ड लीजिए, अलग अलग भी बोगी नंबर मिल सकता है, सीट नंबर मिल सकता है या फिर एक में भी मिल सकता है। तो कोई सिक्योरिटी 100% नहीं है दोस्तों कि आपको एक साथ ही मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने जाना कि अगर हम वेटिंग में टिकट बुक करते हैं तो क्या एक साथ ही मिलता है या फिर अलग अलग भी मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।